दोस्तों, होंडा ने फिर से अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं बिना किसी वजह के। आवाम को सिर्फ लूटा जा रहा है, डॉलर के नाम पर जो है वो आवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। नहीं, ना ही कोई नई फंक्शंस बाइक में दिए जा रहे हैं, ना ही कुछ नई चीज़ दी जा रही है। सिर्फ प्राइसेस को मंथली बेसिस पर बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। अब लेटेस्ट प्राइस जो है वो होंडा 70 CC की 73,900 तक पहुँच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको फिर से बताते चलूँ, होंडा 70 CC बाइक की लेटेस्ट प्राइस ब्लैक और रेड दोनों वर्जन की 73,900 तक पहुँच चुकी है। दोस्तों, CD70 ड्रीम की बात कर लें, जिसकी अब लेटेस्ट प्राइस जो है वो 77,000 को भी क्रॉस कर चुकी है, और अब इसकी जो लेटेस्ट प्राइस होगी वो 77,900 होगी। जी हाँ दोस्तों, फिर से आपको बता चलूँ, होंडा CD70 ड्रीम की जो लेटेस्ट प्राइस होगी वो 77,900 होगी। दोस्तों, होंडा यहाँ भी नहीं रुका, होंडा ने जो है वो अपनी तकरीबन तमाम बाइक्स की प्राइसेस को 1,000-2,000 इंक्रीज़ कर दिया गया है, और आने वाले वक्तों में भी यही देखा जा रहा है कि हर मंथ जो है वो 1,000-2,000 बढ़ाया जाएगा, और बाइक्स को CD70 को भी 200 तक जाने का खदशा लाहक है। दोस्तों, यहाँ पर प्राइडर की प्राइस जो है वो नई जो लॉन्च हुई है वो 1,500 रुपये हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्राइडर की नई प्राइस जो है वो 1,500 तक पहुँच चुकी है। दोस्तों, उसके अलावा जो प्राइडर के अलावा 125 सिंपल की बात करें तो 1,23,500 का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 125 1,23,500 का, और सेल्फ स्टार्ट वर्जन 1,44,900 रुपये का। और दोस्तों, इसी में जो सेल्फ स्टार्ट वर्जन जो कि दूसरा है, जो होंडा 125 की तरह बॉडी है जिसकी शेप है लेकिन सिर्फ सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन है, उसकी प्राइस है 1,42,500, और यहाँ पर 1,68,500 जो प्राइस है वो यहाँ पर दी गई है होंडा CB125 की। और CB125 में जो हमारे पास स्पेशल एडिशन आ रहा था SE, उसकी जो है 1,70,500 तक प्राइस पहुँच चुकी है। दोस्तों, अब 150 CC बाइक जो कि जब लॉन्च हुई थी तो 1 लाख समथिंग की थी, लेकिन अब वो 2 लाख को भी क्रॉस कर चुकी है, और उसकी अब लेटेस्ट प्राइस जो है वो 2,05,500 रुपये तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, होंडा की 250 CC बाइक की न्यू प्राइस जो है वो अब 6,40,000 रुपये होगी। जी हाँ दोस्तों, होंडा ने अब अपनी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये होंडा का जो है वो जुल्म नहीं है हम सब लोगों के साथ, और क्या दोस्तों अब हमें होंडा की बाइक्स ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। वैसे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2020 तक जो है वो होंडा की 70 CC बाइक की प्राइस जो है वो तकरीबन 1 लाख या 1 लाख तक पहुंच जाएगी या 1 लाख हो जाएगी, क्योंकि जिस स्पीड से प्राइसेस बढ़ रही हैं उससे यही एक्सपेक्टेशन ली जा रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा।